बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीन है ठीक ठाक होंगे। दुआएं मेरी आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपकी होस्ट रूपा, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि देसी चूल्हों का सालन कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चिकन, 750 ग्राम देसी टिंडे, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, दो बड़े टमाटर, दो दरमियाने प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। बर्तन में मैंने ऑयल गरम कर लिया, इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट पिंक शेड में आ गए हैं, बल्कि हल्के हल्के गोल्डन टर्न होना शुरू हो गए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, एक बड़ा चम्मच। टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। एक चम्मच नमक साथ में ऐड कर देंगे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह गल जाए। इसको हम ढक देंगे और मसाले को अच्छी तरह गला लेंगे। मसाला हमारा बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसकी जो हमक है वो ख़त्म हो जाए। चिकन अपने पानी में ही थोड़ा सा गल जाएगा, बाकी जो होता है हम इसको और सब्जी को इकट्ठा ही गला लेंगे। इसको भूनने के साथ ही टिंडे भी ऐड कर देंगे, उसको भी इसके साथ इकट्ठा ही भून लेंगे। टिंडे ऐड कर लेंगे और अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको चिकन के साथ ही भून लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये इनके कच्चेपन में जो कमी है वो ख़त्म हो जाए और साथ में इसकी ग्रेवी भी रेडी हो जाए। अब इसको मैं दरमियानी आग पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं, इसको ढक के रख दूंगी और इसको गलने देंगे। टिंडों का सालन हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, अब इसको मैं धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर दूंगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। बेहतरीन किस्म के हमारे जो से टिंडे हैं, वो जो देसी टिंडे हैं, वो रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि कितने अच्छे और बेहतरीन किस्म के गल गए। ये देखिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसको धनिया और हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ गार्निश कर लीजिए, इसकी लुक मज़ीद इसकी उभर के निकलेगी। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई लंबे चौड़े कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इन्हीं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का निकलेगा। इंशाल्लाह मज़ीद मज़े की और इजी रेसिपीज़ के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।